अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेल से क्लास सिक्स की जिसका यूनिट नंबर सेवन एक्सरसाइज 7.3 है, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 2 to 6 सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसका पार्ट वन जो था क्वेश्चन नंबर वन उसको ज़रूर देखिएगा ताकि बुनियादी फार्मूले जो मैंने समझाए हैं वो आपको समझ में आ सकें। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे यहाँ पर। तो 2 नंबर कह रहा है, ए बुक सेलर परचेज 20 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एट ₹120 पर बुक। के एक बुक सेलर ने परचेज़ किए 20 किताबें मैथमेटिक्स की ₹120 पर बुक। तो यहाँ पे 20 किताबें हैं और परचेज़ की हैं ₹120 के हिसाब से, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2×12 = 24 हो जाएगा और 0 0 यह आ जाएगा ₹2400 हो जाएंगे। ये हो जाएगा CP यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारे पास। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, एंड सेल्स एट ₹125 पर बुक। तो 20 किताबें हैं और बेची इसने ₹125 पर किताब के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 125 से मल्टीप्लाई करें तो 250 हो जाएगा और ये 0 का 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 2500 है, कास्ट प्राइस जो है वो 2400 है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट हमें कितना हुआ है दुकान से सेलर को, वो हुआ है ₹100। तो अब हमने क्या मालूम करना है, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट पर्सन। इसका प्रॉफिट भी मालूम करना है और प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है। तो प्रॉफिट तो ये आ गया, पहला आंसर तो हमारे पास आ गया, ये ₹100 इसका प्रॉफिट हुआ। अब परसेंट में प्रॉफिट परसेंट, तो परसेंट का जो फार्मूला है वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये होता है प्रॉफिट और अपान CP यानी कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो परसेंटेज हमारी निकल आएगी। तो यहाँ पे करते हैं इसको, प्रॉफिट हमारे पास है ₹100 और CP कास्ट प्राइस जो है वो है ₹2400 और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 के साथ, तो यहाँ 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएंगे। तो 6 की टेबल जा रही है, 4 की टेबल जा रही है यहाँ पे 6 टाइम और 4 की टेबल जहाँ जा रही है 25 टाइम। तो ये जो हमारे पास आंसर मिलेगा वो मिलेगा 25/6। तो दोनों आंसर जो है वो हमारे पास आ गए, ये हो गया प्रॉफिट, परसेंटेज में आ गया, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। पहला आंसर हमारा आया ₹100 और दूसरा हमारा आंसर आया 25/6। ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, ए ग्रोसर परचेज 10 kilograms ऑफ राइस एट ₹120 पर किलोग्राम। 110 kilograms है और राइस चावल और उसने ख़रीद किए ₹120 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कितने किलोग्राम थे, 10 kilograms थे और ₹120 के हिसाब से ख़रीद किए, तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 1200। तो ये 1200 हो जाएगा CP यानी कॉस्ट प्राइस होगी, और फिर उसे बेचा ₹125 पर किलोग्राम के हिसाब से, तो 10 था और 125 के हिसाब से बेचा इसने, तो ये 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹1250। ये हो जाएगा SP यानी सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट अगर इसे माइनस कर लें तो ये हो जाएगा यानी 50, क्योंकि 1250 है वो 1200 है, तो ₹50 हमें प्रॉफिट मिल गया। तो इसका फार्मूला जो है वो आपको पता है, जब परसेंटेज मालूम करेंगे इसका यानी प्रॉफिट परसन वो फार्मूला है हमारा प्रॉफिट अपॉन CP यानी कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा है 50
और सीपी जो है हमारा 1200, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, तो 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ 2 की टेबल जा रही है 6 टाइम और 2 की टेबल जा रही है यहाँ पे 25 टाइम्स। तो ये जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा वो होगा 25/6। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जिसमें कह रहा है ए शॉपकीपर बियर्स 15% लॉस ऑन द सेल ऑफ ए जैकेट। एक दुकानदार ने बर्दाश्त किया 15% लॉस एक जैकेट पर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द जैकेट इज़ ₹1000 फाइंड हिज लॉस। तो इसका लॉस कितना हुआ जबकि उसकी जैकेट की कीमत थी वो ₹1000। तो ये कॉस्ट पे ही मालूम किया जाता है, तो सिंपल कर लेते हैं इसे। इसमें जो 1000 है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके 15% के साथ, तो हमारा आंसर निकल आ जाएगा। तो ये 1000 मल्टीप्लाई ये 15 अपान परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पे ये 100 बन जाएगा। तो ये 20 और 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 15। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ₹150 का जो होगा वो शॉपकीपर को लॉस होगा। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि उमेमा बॉट ए डिनर सेट फॉर ₹52000 एट 20% डिस्काउंट। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द डिनर सेट। एक्चुअल प्राइस पूछ रहा है हमें डिनर सेट की, तो लेट एक्चुअल प्राइस ऑफ डिनर सेट इज एक्स। तो एक्चुअल प्राइस जो है वो डिनर सेट की हम एक्स ले लेते हैं। तो ये जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा एक्चुअल प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी एक्चुअल प्राइस माइनस डिस्काउंट और रुपीस पेड बाय सुमेमा जी ने पेड जो किए वो, ये बनेगा हमारा फार्मूला। तो एक्चुअल प्राइस हमने एक्स ले ली है, तो इसको एक्स करते हैं। माइनस जो है वो डिस्काउंट है कितना, 20% देख लें। यहाँ 20% किसका है, एक्स का है, एक्चुअल प्राइस का, तो 20% एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा जो पेड की वो की कितने 52000। तो ये हमने लिख लिया इसका। अब इसे आगे करते हैं, ये देखें ये एक्स माइनस करेंगे 20% का मतलब होता है 20/100। ये एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 52000 और ये एक्स माइनस, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। बाकी 2 की टेबल अगर यहाँ करें तो 1 यानी 1 अदर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी, तो हो जाएगा 0.2 एक्स और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 52000। तो यहाँ देखें, यहाँ एक्स कॉमन ले लें दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस 0.2 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 52000। तो 1 में से 0.2 अगर माइनस कर दें तो ये हमारे पास बचेगा 0.8 एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 52000, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो ये जाके डिवाइड होगा, तो ये जाके डिवाइड होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। तो एक्स इज इक्वल टू ये 52000 और अपान ये हो जाएगा 0.8। तो मैं आपके सामने ही इसको
डिवाइड कर देता हूँ, ये देखें 52,000 है और 0.8 यहाँ कर लेते हैं, ये 52,000 और डिवाइड बाय 0.8 तो ये देखें 65,000। तो यही आपका बुक में भी आंसर है, तो ये एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 65,000। ये रहा आंसर, जो एक्चुअल प्राइस जो थी उसकी वो 65,000 रुपये थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। द मार्केट प्राइस ऑफ लेडीज पर्स इज ₹1500 एंड इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 15%। फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द पर्स। नेट सेलिंग प्राइस जो है वो मालूम करनी है, जबकि मार्केट प्राइस है 1500 रुपये और डिस्काउंट रेट जो है वो है 15%। तो इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं, नेट प्राइस, नेट प्राइस इज इक्वल टू, क्योंकि नेट प्राइस हमने मालूम करना है, तो ये हो जाएगा मार्केट प्राइस, एमपी कर लेते हैं, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, और माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, और डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट गिवन, और गिवन कितने पे है वो भी हम जो है इस पर लिख देंगे। तो ये एमपी जो है मार्केट प्राइस है वो 1500 है, माइनस कर देंगे, और डिस्काउंट गिवन किस पर डिस्काउंट है, ये 1500 पे डिस्काउंट है, कितना है 15% है, तो यहाँ पे 15% कर देंगे। तो ये देखें 1500 माइनस, पहले इसको हल करते हैं, ये 1500 और मल्टीप्लाई, ये 15 अपॉन ये 100 हो जाएगा, तो ये 1500 माइनस, ये देखें 20 और 20 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225, और जब 1500 में से 225 हम माइनस करेंगे तो 1275 होगा, ये हो जाएगा नेट प्राइस, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 6 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में जो हमने आज किए, 2 to 6। तो ये एक्सरसाइज और यूनिट भी ख़त्म हो गया, नेक्स्ट यूनिट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।